नमस्कार महाप्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार में ली जाने वाली परीक्षाओं में परीक्षार्थियों के आंसर शीट आए दिन मीडिया की सुर्खियों में बने रहते हैं। हो भी क्यों ना, सवालों के इतने अतरंगी जवाब ही लिखे जाते हैं कि कोई भी इसे अनदेखा नहीं कर सकता है। कुछ ऐसा ही हुआ है एक बार फिर से बिहार में। एक ऐसा ही मामला आया है गोपालगंज जिले से, जहां पर एक छात्र को खेसारी लाल यादव का गाना इतना ज्यादा पसंद आया कि उसने परीक्षा में प्रश्न का उत्तर देने के बदले उत्तर पुस्तिका में चर्चित गीत लिख डाला है। इसके साथ ही उसने खेसारी का विश्लेषण भी बहुत ही रोचक तरीके से किया। आंसर शीट की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। वायरल हो रही ये उत्तर पुस्तिका पर गोपालगंज के भोरे प्रखंड स्थित बीपीएससी कॉलेज का नाम लिखा है। पिछले लगभग एक सप्ताह से छात्र की कारस्तानी के कारण सोशल मीडिया पर ये कॉलेज ट्रेंड भी करने लगा है। जानकारी के अनुसार बीपीएससी कॉलेज भोरे में इंटरमीडिएट के वार्षिक परीक्षा का आयोजन किया गया था। वहीं छात्रों की 11वीं की परीक्षा 11 से 21 मई तक आयोजित भी हुई थी। हिंदी विषय के प्रश्न संख्या 4 के उत्तर में अखिलेश यादव नामक छात्र ने भोजपुरी गाना ए राजा छूटता पसीना गर्मी होला राजा जाई बाजारे ले ले आई एगो कोका कोला गाने को पूरी तरीके से कॉपी में लिख डाला है और इसे सोशल मीडिया पर भी वायरल कर दिया है, जिसके बाद ही अब देखते ही देखते परीक्षा की उत्तर पुस्तिका काफी वायरल हो गई है। आपको बता दें कि खेसारी लाल यादव और शिल्पी राज का गाना इन दिनों हर किसी की जुबान पर है और लोग इसे काफी पसंद भी कर रहे हैं। लेकिन खेसारी लाल के इसी गाने पर बीते मार्च महीने में बरौली थाना क्षेत्र में भारी बवाल हुआ था। दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई और पुलिस भी पहुंची थी, तो उन पर उपद्रवियों ने हमला भी किया था। इस मामले में पुलिस ने भारी मात्रा में तलवार लाठी डंडा बरामद भी किया था। हालांकि कुछ लोग तो छात्र की इस करतूत पर टिप्पणी करने से परहेज कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों ने कॉलेज के बारे में ही बुरा भला बोलना शुरू कर दिया है, जिसके बाद से ही ऐसी चर्चाएं भी शुरू हो गई है कि उत्तर पुस्तिका जो वायरल हो रही है वो किसी छात्र ने सच में लिखी भी है या बस मजाक मस्ती में ये चीजें सोशल मीडिया पर फैलाई गई है। इसको लेकर चर्चाएं भी अब तेज है। इस संबंध में कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर उदय शंकर पांडे ने बताया कि ऐसी कोई जानकारी उनके संज्ञान में अभी तक नहीं आई है। अगर ऐसा हुआ है तो इसकी जांच कराकर दोषी छात्र के खिलाफ उचित कार्रवाई जरूर की जाएगी। गौर करने की बात यह है कि ये कोई पहला मामला नहीं है जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया है, बल्कि इससे पहले भी कई ऐसे लोग थे जिन्होंने ये करतूत सच में की है, जिसके कारण कॉलेज की किरकिरी तो हुई ही, साथ ही बिहार सरकार भी सवालों के कटघरे में खड़ी नजर आई है, जिसके बाद अब उम्मीद है कि वायरल हो रही तस्वीर का सच जल्द ही सामने आएगा। हालांकि आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।